बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां के जिला अस्पताल के डॉक्टर ने एक युवक के कटे अंगूठे का सफल ऑपरेशन कर उसे फिर से जोड़ दिया। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के जरिए डॉक्टर दीपक ओझा ने हाथ के पंजे से अलग हुए अंगूठे को जोड़ने का कार्य किया। दरअसल मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के नंदनपुर का रहने वाला अरुण यादव बीते 15 फरवरी को आटा चक्की पर गेहूं पीसने गया था। चक्की में गेहूं की बोरी लगाते समय अचानक उसका हाथ चक्की के पट्टे में फंस गया और इसी दौरान उसका अंगूठा हाथ से अलग हो गया था। आनंद फानंद में परिजन अरुण को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर दीपक ओझा ने कटे अंगूठे को मंगवाकर ऑपरेशन शुरू किया। करीब 2 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद अंगूठे को फिर से हाथ में जोड़ दिया गया। गोई उठाई से उसके पट्टे में बीती, पट्टे में बीतते समझे अंगूठा बीता, हमने ताना पट गया तो अंगूठा पूरा अलग हो गया था। फिर हमें यहाँ गए, हमको अंगूठा का मालूम नहीं चला। फिर यहाँ आए सुबह डॉक्टर साहब ने पूछा कि अंगूठा कहाँ है, तो घर से फोन आया कि अंगूठा यहाँ पड़ा। सुबह लेके आए, 2-3 घंटे बाद उसका ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने, लेकिन अच्छा काम किया अपने साथ। अलाइनमेंट था पूरे मसल्स का, टेंडन्स का, वो अटैच किया गया और ये कोशिश की गई कि वो ग्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। और इसकी हेल्प के लिए हमने पीआरपी, एक टेक्निक होती है जिससे कि ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, पीआरपी पेशेंट के ब्लड से ही एक ग्रोथ फैक्टर रिच केमिकल होता है वो बनाया जाता है, तो वो हम लोगों ने उसमें लगाया है। अब हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाए ग्राफ्ट।